108 गरीब कन्याओं के विवाह का। बागेश्वर धाम की धरती पर लिया गया एक संकल्प और उस संकल्प ने बदली न जाने कितनी गरीब बेटियों की जिंदगी। ये संकल्प था बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री बागेश्वर धाम सरकार का। हम इस पूरे आयोजन में आपको भी लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले महाराज श्री के श्री मुख से ही आपको सुनवाते हैं उनके इस संकल्प की कहानी। हमारी बहन जी की जब शादी हुई होती सन 2010-11 की चर्चा है, दास बड़े जिस घर में दास का जन्म हुआ वहां लौकिक भौतिक अनुसार आर्थिक की बड़ी तंगी थी और बहन के विवाह में व्यवस्था बन नहीं पा रही थी और घर में दास ही बड़ा भाई था। तो खूब हमें ध्यान है, वो बाकिया बार बार याद आता, हम खूब उस वक्त घर घर भगे तो कोई हमें कुछ दान दे दे, कुछ हमें सहयोग कर दे, कर्जा दे दे, ताकि हम अपनी बहन का विवाह भव्य और दिव्य रूप से कर लें। लेकिन बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता, गरीबी में जो सबसे खास होता है। उसी दिन दास ने संकल्प ले लिया था कि भविष्य में कभी अगर इस दास पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई अथवा सन्यासी बाबा के चरणों की कृपा हुई अथवा गुरु के कृपा का प्रसाद मिलेगा, तो जिस प्रकार हमें अपनी बहन के विवाह के लिए दर दर भटकना पड़ा, हम किसी बहन को भटकने नहीं देंगे, उसके भाई को भटकने नहीं देंगे। इस संकल्प में बागेश्वर धाम की धरती धन्य होती आई गरीब बेटियों के विवाह संस्कार से। महाराज श्री ने फिर एक बड़ा संकल्प लिया, इस साल यानी 2022 में महाशिवरात्रि के दिन 108 गरीब कन्याओं के विवाह संस्कार का। और फिर वो शुभ घड़ी भी आ गई जब बागेश्वर धाम की इस पावन धरती पर आयोजन हुआ 108 गरीब कन्याओं के विवाह संस्कार समारोह का। स्वागत है आपका गरीब कन्याओं की जिंदगी संवारने वाले जन कल्याण और समाज कल्याण के इस भव्य आयोजन में। लाखों की संख्या में लोगों की भीड़,
हजारों गाड़ियों का काफिला। ये उदाहरण है बागेश्वर धाम और बालाजी महाराज पर लोगों की अटूट आस्था का। गड़ा गांव की गलियां भी इस पावन अवसर पर भक्तिमय थीं। मुख्य सड़क से लेकर बागेश्वर धाम तक लोगों की ये भीड़ जा रही है। महाराज श्री के संकल्पों में एक गरीब कन्या विवाह संकल्प के आयोजन की गवाह बनने, राजा रंक, अमीर गरीब, नेता अभिनेता, मंत्री संतरी, हर कोई आज एक समान है। हर कोई आज गुरु आदेश का पालन करते हुए धाम पहुंचा है। इन लड़कियों का कोई पिता बनकर, कोई अभिभावक बनकर, तो कोई भाई बनकर यहां पहुंचा है। कोई आशीर्वाद दे रहा था तो कोई नवविवाहित जोड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा था। तस्वीरों में इस आयोजन की भव्यता को देखा जा सकता है। एक सौ आठ विवाह मंडप, बेटियों को घर बसाने में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान, आयोजन में पहुंचने वाले लोगों के लिए अन्नपूर्णा रसोई में भंडारा प्रसाद,
समय बीत रहा था और धीरे धीरे ये आयोजन अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच मंच पर लगातार मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण गुंजायमान था। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके और अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सभी को इंतजार था। स्वस्ति वाचन के साथ शुरू हुआ वो भव्य आयोजन जिसकी गवाह बनी बागेश्वर धाम की धरती। मंच पर बैठे वैदिक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण से पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया और इसे उत्सवी माहौल भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंत्रोच्चारण खत्म होते ही शहनाई की धुन ने अलग ही समा बांध रखा था। इसी धुन के बीच वहां पहुंचे पुरोहित सभी दूल्हों को तिलक लगाकर और हाथ में लिफाफा देकर उनका स्वागत कर रहे थे।
मंडपों में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ने लगी। वधु पक्ष शादी की रस्मों की तैयारियों में जुट गए। एक तरफ जहां कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी बीच मंच पर प्रवेश हुआ परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, जिनके सानिध्य में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महाराज श्री के साथ थे परम पूज्य इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, परम पूज्य योगेश्वर दास जी महाराज और परम पूज्य महंत शरणानंद स्वामी महाराज। शांति रापा शांति रो हृदया
शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे जी यतो यतः समीहस्य ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः दणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्गुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमत्वमजासि गर्भदाम्ब अम्बे अम्बिके मालिके नमानयति कश्चन स्वतस्य स्वगाः सोमरेकां काम्पीलवासिनीम्मा सुशान्तिर्भवतु ॐ श्रीमन् महागणाधिपतये नमः ॐ मा महेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणिरन्यगर्भाभ्यां नमः ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः ॐ माता पित्री चरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ वासुदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सर्वाः तीर्थेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो नरनदीभ्यो नमः ॐ गौब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीराधारमण चरणकमलेभ्यो नमः श्रीवाके विहारिण्यै नमः एतद् कर्म प्रधान श्रीभगवते ॐ अहं हनुमते सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः ब्रह्मोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणादक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतालनामानि पडे चुणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सभी महापुरुषों के मंच पर विराजमान होने के बाद खुद महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार ने सभी महापुरुषों को पट्टिका पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। Thank you.
स्वागत समारोह समाप्त होने के बाद औपचारिक तौर पर शुरू हुआ तृतीय विशाल 108 सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन। पूज्य गुरुदेव के संकल्प के द्वारा ये जो आयोजन है, एक संक्षिप्त विचार जो उनके हृदय में इस आयोजन को लेकर शुरू हुआ था, उस विचार की उस भूमिका के साथ में इस आयोजन को प्रारंभ कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारे सभी आगंतुकों को पूज्य महाराज जी और महापुरुषों के आशीर्वाद के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा। इसी बीच महाराज श्री ने इस महाउत्सव में हिस्सा लेने आए सम्मानित अतिथियों का भी स्वागत किया और सभी गणमान्य अतिथियों ने महाराज श्री सहित तमाम महापुरुषों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आयोजन में बेटियों को आशीर्वाद देने के साथ साथ वो अपने भाव रखकर यहां से अनुमति लेंगे। मैं चाहता हूं, मेरा आग्रह है कि अगर वो आधे घंटे तक और इस आयोजन में सम्मिलित हों तो इस आयोजन की सुंदरता और बढ़ेगी। आप सभी से आग्रह है कि महापुरुषों के आशीर्वाद के लिए मंच पर पधारें। हम सभी इस आयोजन के सहभागी हैं, व्यवस्थाओं के हिस्सेदार हैं और हम सबका ये आग्रह है कि इस आयोजन में हम अपनी व्यवस्था के अनुरूप सम्मिलित होंगे। कुछ महत्वपूर्ण लोग अगर रह गए हों जिन पर मेरी दृष्टि ना पड़ रही हो, ऐसे महत्वपूर्ण लोग महाराज श्री का बारी बारी से आशीर्वाद लेने के लिए मंच। किसान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी राजा जी, अप्पू राजा जी, खरे जी, दमोह विधायक आदरणीय टंडन जी। टंडन जी दमोह से विधायक जरूर हैं लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं मानता कि वो यहाँ अतिथि बन के आते हैं। वो 3 दिन पहले से यहाँ डेरा डाले हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं स्वयं देख रहे हैं तो मैं अक्सर उनका नाम भूल जाता हूँ। वो भी मंच पर महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचेंगे। आज बहुत ही मांगलिक और दिव्य ये आयोजन है। आप सभी से आग्रह है मंच पर डी की व्यवस्था बनाकर रखें। जो सोफे और कुर्सियां हैं वहां पर अति विशिष्ट जन बैठेंगे इसलिए वो आरक्षित की गई हैं। उस स्थान पर व्यवस्था बनाकर रखेंगे। ये बागेश्वर धाम के वो पुष्प हैं जो राजपीठ से संबंध रखते हैं लेकिन आज ये राजपीठ के प्रतिनिधि नहीं बल्कि इस धाम के श्रद्धालु, शिष्य और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में यहाँ विराजमान हैं। वो अतिथि नहीं अपितु आज इस आयोजन के सहभागी के रूप में यहाँ पधारे हैं। आप सभी पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के उपरांत अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, ऐसा आग्रह है आप सभी से।
अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो लोग आशीर्वाद ले चुके हैं, मैं पुनः इनको मंच पर बुलाऊंगा। कुछ विशिष्ट अतिथि जो आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होंगे, मैं पुनः उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा। संक्षिप्त ये कार्यक्रम है। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे आग्रह है अपने स्थान पर बैठ जाएं। एलईडी के माध्यम से पूरा आयोजन आप तक पहुंच रहा है। तस्वीरें लेने वाले सभी फोटोग्राफर साथी इस बात का ध्यान रखें कि आपके वजह से पीछे की व्यवस्था ना बिगड़े और सभी लोग इस आयोजन के सहभागी बने। डी में अत्यधिक संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। जो भी बैठक व्यवस्था में और मंच के समीप की व्यवस्था में तैनात लोग हैं, उनसे आग्रह है कि डी को खाली करा लें। जो सुरक्षाकर्मी सेवाकर्मी हैं उनसे आग्रह है कि वो भी थोड़ा पीछे की तरफ हो जाएं, डी को थोड़ा खाली करा लें। मंच पर जो लोग आशीर्वाद ले चुके हैं उनसे आग्रह है अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ें। आदरणीय बीडी शर्मा जी को कुछ और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है। भगवान मतंगेश्वर की नगरी में खजुराहो में आज एक विराट आयोजन है, जहां आज शिवरात्रि के मेले की शुरुआत होगी, वहां उन्हें जाना है। इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में उनसे आधे घंटे की अनुमति लेकर उन्हें रोक रहा हूं ताकि वो आशीर्वाद समारोह में बेटियों को आशीर्वाद देकर ही यहां से जाएं। आप सभी अतिथियों से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करते चलें, अपना स्थान ग्रहण करते चलें। आप सभी अतिथि श्याम सुंदर पारसर जी मंच पर स्थान लेंगे। पवन मिश्रा जी से आग्रह है कि वो इस व्यवस्था को देख रहे हैं, उन्हें मंच पर लेकर आएंगे। सभी अतिथियों से आग्रह है कि अब मंच छोड़ दें। सभी अतिथि मैं आप सभी से आग्रह है कि स्थान छोड़ दें। हमारे बीच सरस्वती के वरद पुत्र अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास, जिनकी वाणी में स्वयं शारदा विराजमान है, डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी महाराज पधार चुके हैं। मैं बहुत सम्मान और विनम्र भाव से उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सभी अतिथियों से अजय टंडन जी, आप सभी अतिथियों से आग्रह है कि अब स्थान पर विराजमान होने की कृपा करें। हमारे बीच पूज्य संत कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी। इसी बीच मंच पर पहुंचे कथाकार परम पूज्य श्याम सुंदर पारासर जी महाराज। जाम में फंसे रहे आज के इस विराट आयोजन के कारण कुछ विलंब उन्हें हुआ, और ये सुंदर क्षण, ये सुंदर तस्वीर, जब साधुओं का मिलन होता है तब सृष्टि मुस्कुराती है, और महापुरुषों का ये समागम मंच पर। मैं पूज्य गुरुदेव से आग्रह करूंगा कि वो पट्टिका के माध्यम से डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी का स्वागत करेंगे। शिष्यमंडल के सदस्य पूज्य गुरुदेव को स्वागत की सामग्री उपलब्ध करा दें। नितेंद्र जी स्वागत की सामग्री उपलब्ध करा दें। पूज्य गुरुदेव पारासर जी का अभिनंदन इस आयोजन में स्वयं कर रहे हैं। आप गैलरी को खाली करा लें, वहां से वर और वधू को मंच पर आना है। एक आशीर्वाद और वरमाला का जो नैंग होता है वो मंच पर होगा। महाराज श्री ने उन्हें पट्टिका पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। बीडी शर्मा जी का संबोधन होगा, क्योंकि उन्हें जाना है इसलिए वो आशीर्वाद समारोह मैं तुरंत जोड़ रहा हूं, और उनके संबोधन के उपरांत वो अन्य कार्यक्रमों के लिए मुक्त हो सकते हैं। 1 नंबर से 54 नंबर तक के सभी जोड़े
जिनका क्रमांक एक है और जो 54 तक हैं, वो जोड़े बारी बारी से गैलरी से मंच पर आ जाएं। एक नंबर से 54 नंबर तक के जोड़े बारी बारी से मंच पर आ जाएं। एक तस्वीर और उसके बाद संबोधन वीडी शर्मा जी का, चूंकि उनको निकलना है। आशीर्वाद समारोह का जो नेंग है वो राजपीठ और व्यासपीठ के माध्यम से हो जाए। इस स्वागत समारोह के बाद धीरे धीरे वर वधुओं को वरमाला के लिए मंच पर बुलाया गया।
वरमाला हाथ में दें सभी जोड़ों को, सभी जोड़े अपने हाथ में वरमाला लेंगे और यहां पर और महाराज श्री का ऐसा संकल्प था कि सिर्फ विवाह आयोजित ना हो बल्कि विवाह वैदिक रीति से आयोजित हो, वेद मंत्रों की ऋचाएं हो, शहनाई गूंजे और बेटियां नए जीवन की शुरुआत करें। इसीलिए इस आयोजन में वृंदावन से मूर्धन्य ब्राह्मणों की एक टीम आमंत्रित की गई है। ये दल मंच पर उपस्थित है जो वेद की ऋचाओं से इस आयोजन को वैदिक रूप देगा। आप सभी वरमाला के क्षणों में उन वेद ऋचाओं को सुनेंगे। विधायक शिवदयाल बागरी जी भी मंच पर पधारे। सभी को वरमाला जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। गंगा गोमती गोपति गणपति। और फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मंच पर उपस्थित वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। कन्याएं माला पहनाएं पर को। आप सभी कर्तव्य ध्वनि से इन क्षणों का स्वागत कीजिए। ये अद्भुत क्षण, ये विराट आयोजन। गंगा सिंधु सरस्वती जय और ये वैदिक मंत्रों के साथ वरमाला का ये कार्यक्रम संपन्न। कर्तन ध्वनि से इन क्षणों का अभिनंदन कीजिए। मंच पर मौजूद सभी महापुरुषों ने नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले सभी नव जोड़ों को आशीर्वाद दिया। और फिर नवजोड़ों का गठबंधन कराने के लिए आमंत्रित किन्नर समाज के लोगों को मंच पर महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया गया। Thank you.
इन क्षणों में एक बधाई गीत किन्नर समाज की ओर से इन सभी बेटियों के नवजोड़ों के लिए। हमारे जो संगीत मंडली है वो भी सम्मिलित होगी और एक छोटा सा संक्षिप्त गीत और इसी के साथ आशीर्वाद देंगे नीतू और उनकी पूरी टीम। महाराज श्री से आशीर्वाद लेने आए किन्नर समाज के लोगों ने भगवान शिव को समर्पित एक भजन की प्रस्तुति दी। सुने भजन, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। उरी मेरे भोले बाबा को, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। 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 ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अरे साथ लिए नंदी, अरे साथ लिए नंदी व्यापारी मति समझो। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मति समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मति समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मति समझो। मेरे भोले बाबा को लिए डबरू, आई साथ लिए डबरू, साथ लिए डबरू, अरे साथ लिए डबरू मादारी मती समझो। साथ लिए डबरू मादारी मती समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मती समझो। मेरे भोले बाबा को इस आयोजन के बाद एक छोटा सा फोटो सेशन हुआ। और फिर शुरू हुआ इस महामहोत्सव में आमंत्रित कुछ गणमान्य लोगों का संबोधन। लेकिन आज इस अवसर पर 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह, भगवान शिव शंकर और पार्वती का जो मिलन है, आज उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वचन से, उनके आशीर्वाद से और इतने इस देश के मूर्धन्य हमारे संत वृंदों के आशीर्वचन के साथ जिनको आशीर्वाद मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा कोई दान इस देश के अंदर कहा जाता है भारतीय संस्कृति में, तो कन्यादान इस देश के अंदर सबसे बड़ा दान और पुण्य माना गया है। आज 108 कन्याओं को आज यहाँ पर कन्यादान करके उनके विवाह का आयोजन यहाँ पर
इतने वैदिक संस्कृति के साथ जो हुआ है, मैं उन सबको भी बहुत शुभकामनाएं आज इस अवसर पर देता हूं। और महाराज जी, मैंने कहा कि मेरा तो सौभाग्य कि मैं आज आपके बीच आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंचा हूं। सभी संतों का आशीर्वाद मिला है। मैं अपने आप में और मेरा परिवार बड़ा भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है कि जो महाराज के चरणों में सेवा करने का मौका मिलता है। मैं अपने आप को बड़ा धनी मानता हूं कि आज जहां मैं पहुंचा हूं वहां आप सबका आशीर्वाद है और ऐसी सदैव बना रहे, इसकी इच्छा चाहता हूं। यहां उपस्थित जो आज 108 सामूहिक विवाह हुए, उन नवदंपत जीवन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमेशा हमेशा खुश रहें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। महाराज जी, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मुझे फिर से वो भाव मेरे सामने आ गया जब आपने पिछली बार खेलग्राम में 21 कन्याओं का विवाह कराया था, और आज मैं यहां देख रहा हूं कि 108 कन्याओं का विवाह हो रहा है, और 108 कन्याओं के 21 कन्याओं के पिता बनने का सौभाग्य आपने खेलग्राम में दे दिया था, और आज बागेश्वर धाम में 108 कन्याओं के पिता बनने का सौभाग्य आज हमें बागेश्वर धाम में मिल गया है। गढ़ाओ बागेश्वर धाम की मिट्टी को नमन करता हूं जिनने ऐसे संत को यहां जन्म दिया और स्थान पाए। अपने जीवन में मैंने पहली बार इतनी भीड़ और इतना अच्छा कार्यक्रम, महाराज जी पूछ रहे थे, मैंने कहा महाराज जी निःशब्द हूं, आज मेरे पास शब्द नहीं है कि इस कार्यक्रम की क्या तारीफ कर दूं। और आज के इस कार्यक्रम में जो बिटियों को ब्याह हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी वरवधु को शुभकामनाएं देता हूं। मैं पुनः एक बार महाराज जी के चरणों में और सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं कि आप सबका ये स्नेह आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। मैं आज जो भी हूं, ईश्वर सौगंध केवल गुरु जी की आशीर्वाद से हूं। गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो इस मंच तक आने का और सम्मान कराने का मौका भी मिला। श्रद्धेय गुरु जी की मेरे ऊपर असीम कृपा है, इतनी कृपा है कि जो बखान नहीं की जा सकती, जो कहीं नहीं जा सकती। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, यहां बैठी हुई जितनी हमारी बहनें या बिटियां जिनके आज ब्याह हो रहे हैं, मुझे याद आता है रामचरितमानस का एक प्रसंग कि सीता मैया इतनी नाजुक थी, जब वह अपने पिता के यहाँ थी, राजा जनक के यहाँ, जब वह पृथ्वी पर पैर रखती थी तो उन्हें पृथ्वी गढ़ती थी, चुपती थी, तो उस पृथ्वी पर कमल के फूल के ऊपर जो पुष्प का होता है वह बिछाया जाता था, तब सीता मैया उस पर चल पाती थी। लेकिन आज गुरुजी ने उन बच्चियों के लिए जो असहाय है, हम उन्हें असहाय नहीं कहते, आज से आप लोग असहाय नहीं है, गुरुजी ने पुष्प तो नहीं लेकिन कालीन बिछवा दिए कि इन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, किसी प्रकार से इन्हें कोई दिक्कत ना हो। और मैं यह विश्वास पूर्वक कहता हूं, कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा राजनीतिक हो, कितने भी ओहदे पर पहुंच जाए, वह अपनी बिटिया के विवाह में इतना बड़ा जन समुदाय एकत्रित नहीं कर सकता। आज अत्यंत प्रसन्नता का माहौल है कि गुरुजी की कृपा से 108 कन्याएं आज अपने वैवाहिक जीवन में बंधने जा रही हैं। ये तो महायज्ञ है, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, लेकिन जो भी आ रहा है, बड़ा हो, छोटा हो, मध्यम हो, गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबको बागेश्वर धाम की कृपा से, गुरुजी कृपा से आशीर्वाद मिल रहा है। लाखों के लोग, मैं जब यहां घुसा
जैसे ही मेन रोड से अंदर हुआ तो मैंने देखा लाखों की भीड़ चल रही है। एक डेढ़ घंटे में जहां 15 मिनट का समय था, एक घंटे मुझे यहां आने में लग गया। तो जो लाखों लोग चले गए वो भी आशीर्वाद लेके गए हैं, जो बैठे हैं, रुके हैं, जाएंगे उन्हें भी आशीर्वाद मिल रहा है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो बागेश्वर धाम गुरु जी कृपा से इन बेटा बेटियों का हम सबको मिलेगा, ये अद्भुत है। आमंत्रित आगंतुकों के संबोधन के बाद मंच पर उपस्थित सभी महापुरुषों ने अपने आशीर्वचनों से परिणय सूत्र में बंधने वाले सभी वर वधुओं को कृतार्थ किया। और महाराज श्री सहित बागेश्वर धाम की महिमा का गुणगान किया। आज ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे सीताराम जी के विवाह अयोध्या में हुआ और हनुमान जी महाराज अयोध्या का सारे स्वर्ग को यहीं पर ला करके उपस्थित कर दिया है। ऐसा मालूम पड़ रहा है रिद्धियां सिद्धियां यहीं सारा कहां से क्या कर रही है कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। बागेश्वर धाम जी महाराज जी ने ऐसी लीला यहां पर रचाई है कि कुछ सोचना और विचारना ये भगवान की लीला पर निर्भर है, कोई इंसान नहीं सोच सकता है। बंधु देवियों, एक वेद ऋग्वेद में मंत्र आता है, अनुप्रतहा प्रिया पुत्रो भार्या भवतु सम्मना। आज लड़का लड़कियों का वर वधु का जो विवाह हुआ है ऋग्वेद का मंत्र कहता है अनुप्रतहा प्रिया पुत्रो भार्या भवतु सम्मना। जिस परिवार में पति और पत्नी का एक विचार रहता है, जिस परिवार में बालक अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, जिस परिवार में एक दूसरे में पूछ करके चलते हैं बंधुओं, वो स्वर्ग होता है, वहां पर देवी देवताओं का निवास होता है, वहां पर ऋद्धि सिद्धियां काम करती हैं, वहां कभी कोई कमी नहीं आती है। बंधु देवियों, गृहस्थ जीवन का सबसे पहला सुख होता है अपने मन को मिला के चलना, अपने विचारों को एक बना करके चलना। जिस परिवार में पति पत्नी का एक विचार होता है, ना वहाँ कोई कमी होती है, ना कोई गमी होती है, ना कोई मुश्किलें आती है, और महान से महान आपत्तियां जीवन में सरल बन जाया करती हैं। मुझे भी एक चौपाई याद आ गई कि मात पिता गुरु सेवा करहु, पति रुख लख निज मदि अनुसर हो। श्री सीता जी को जानकी जी की माता जी ने गोदी में लिया और कहा बेटा मैं तुम्हें एक ज्ञान देकर के भेज रही हूँ। बोली कौन सा ज्ञान, आज तक तुम माता पिता हमें मानती थी, आज के बाद तुम ससुर और सास को माता पिता मानना, कोई तुम्हारे जीवन में संकट समस्याएं नहीं आएंगी, हमेशा सारी समस्याएं तुम्हारी दूर रहेंगी। और दूसरा ज्ञान क्या दिया, पति रुख लख निज मति अनुसर हो। आजकल घरों में झगड़े क्यों होते हैं, तालाक क्यों होते हैं, मुसीबतें क्यों आती हैं, तमाम परेशानियां जीवन में क्यों आती हैं, हम विवाह के बाद एक दूसरे के मन को नहीं मिला पाते हैं, एक दूसरे के विचारों को नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए सीता जी से कहा गया पति रुख लख मित निज मति अनुसर हो, सबसे पहले जाकर के अपने पति के विचारों को पढ़ना, अपने पिताजी अपने पति के विचारों को समझना, और जैसा उनका विचार हो उसी विचारों में अपना विचार मिला लेना, यही सबसे बड़ा पतिव्रता धर्म है, यही भक्तों का लक्षण है, यही जीवन में पिता पुत्र का जीवन है। और बंधु और मैं क्या कहूं, ये सबसे बढ़िया सुखी जीवन बिताने का लक्ष्य। आप मानव हैं, आप बालाजी भगवान कृपा पात्र हैं, महापुरुषों की आप कृपा पात्र हैं, आपका जीवन मंगलमय हो, यही कहकर वाणी विराम दूंगा। हरि ओम शांति ओम। वही रुप्या सुरपण प्रिय विरह रूपित तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतां लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयाम नमत्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुपदम् मंगलमूरति मारुति नंदन मंगल
सकल अमंगल मूलन कंदन 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 बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। आज जितने भी वर वधुओं का यहाँ विवाह संपन्न हुआ, हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने यहाँ पर विवाह करवा के, अब अन्य संसार में किसी के भी ब्याह हो तो उनके जीवन की देखरेख के लिए उनके माता पिता हैं, उनका पूरा परिवार है, लेकिन बागेश्वर धाम में आज यहाँ ये इतना सुंदर विवाह संपन्न करा करके इतने परिवारों के जीवन की समस्त समस्याओं को बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने श्री बालाजी के हाथ में सौंप दिया कि इनका संपूर्ण जीवन अब सुखद हो, मंगलमय हो, ऐसी मंगल मूर्ति भगवान इनकी रक्षा करें जीवन पर्यंत। आपके पिता के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान जो हमारे विधायक गण हैं, यहाँ पर विराजमान संत वृंद हैं, हम सब बराती हो सकते हैं लेकिन इन सब के पिता तो श्री साक्षात बालाजी महाराज हो गए हैं। अब वे ही इनकी रक्षा करेंगे, वे ही रक्षक हैं। पति का शब्द, पति शब्द का अर्थ ही होता है रक्षक, और इन सब के रक्षक के स्वरूप में श्री बागेश्वर धाम ने अपने ही स्वरूप इन सब वरों को भेजा है। आज बहुत आनंद मिला ये सुंदर दर्शन करके। हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, आप श्री का दर्शन तो सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया करती है, हमने भी वहीं पर ही दर्शन किया, लेकिन आज जब यहाँ आ रहे थे तो अभी तक बालाजी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जब यहाँ आ रहे थे तो दूर से ही लाल वस्त्रों में मानो ऐसा लगा कि बाल स्वरूप श्री हनुमान जी खड़े हुए हैं, ऐसा मंगल दिव्य स्वरूप आपका विराजित है। और निश्चित ही कि हमारी युवा पीढ़ी को, आज जो भारत की युवा पीढ़ी जो बहुत भटक रही है, जिसके लिए सब युवा कथा वक्ता, कथा प्रवक्ता एवं युवा संत सब लगे हैं, उसकी सबसे ऊंची ध्वजा लेके सबसे आगे महाराज जी चल रहे हैं, इसकी बड़ी प्रसन्नता है। हमारे महाराज जी की पूज्य माता जी विराजमान है, उनको बहुत बहुत वंदन करता हूँ। ऐसा शास्त्र आज्ञा है कि यदि त्रिदंड धारण कर ले व्यक्ति, उसके बाद उसको किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान के सामने प्रणाम करे, लेकिन यदि त्रिदंडधारी व्यक्ति की माँ यदि उसके सामने विराजमान हो, पिता आ जाए तो उनको भी प्रणाम ना करे तो कोई दोष नहीं, लेकिन माँ यदि सामने विराजमान हो तो ऐसे विरक्त महात्मा को भी अपनी जन्मदात्री माँ को दंडवत प्रणाम करने का ये आज्ञा हमारे शास्त्रों ने दी है। तो वास्तव में आप श्री का बल तो श्री हनुमान जी महाराज एक ओर से दे रहे हैं, दूसरी ओर सामने बैठी मैया भी आपको खूब बल प्रदान कर रही हैं। बस ये सचल हनुमान जी महाराज हैं, इनको भी बारंबार
प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। मंच पर विराजमान सब संत वृंद, सब ब्राह्मणों को, सबको नमन करते हुए हमारे आज के वर वधु, हमारे या तो भैया भाभी कहो या फिर जीजा दीदी कहो, सबको प्रणाम। आप दाम प्रहर्तारं दाताराम सर्वसंपदाम लोका विरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमामि। श्री महाराज जी आपको बारंबार प्रणाम। अब जैसे सभी मेरे भाई मेरे संत भगवान जैसे बोल रहे थे कि क्या क्या बोलें, और बहुत कुछ है जो ये कार्य इस पूरे देश में हमारे भारतवर्ष में सभी श्रद्धालु देख रहे होंगे। सभी लोग वास्तव में वो भाग्यशाली हैं, सबका बहुत भाग्य उदय हुआ जो इस तरह से सभी लोग अपने घरों में भी बैठ करके ये इस तरह का जो मंगल कार्य देख रहे हैं। जितने भी वरवधू हैं सभी को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और आशीर्वाद है, और बागेश्वर श्री हनुमान जी महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हुए अधिक समय नहीं लेते हुए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई भी पहुँचता है तो उसे वास्तव में ये महसूस होता है। मैं अभी परसों भी हम लोग 2-3 दिन पहले भी बैठे थे तो बात हो रही थी कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, यहाँ पर वो साक्षात देखने को मिलता है बागेश्वर धाम में। साक्षात यहाँ पर वो दिव्य अलौकिक शक्तियाँ हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं सबकी मनोकामना पूरी हो रही है। बागेश्वर श्री हनुमान जी के चरणों में हम सब प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हनुमान जी, यहाँ से कोई भी व्यक्ति जो भी यहाँ आ रहा है सब सुखी हो करके जाएं, सबकी मनोकामना पूरी हो। और मैं माँ को भी प्रणाम करता हूँ। हे माँ, आपकी बहुत बड़ी कोई तपस्या है। जैसे अभी मेरे भैया छोटे इंद्रेश जी कह रहे थे कि हम जैसे ब्रजवासी हैं और हमारा बद्रीनाथ भगवान के साथ कोई नाता है, ऐसे ही वास्तव में माँ आपको बारंबार प्रणाम है कि ऐसा कोई तपस्या, कोई ऐसी बहुत दिव्य अलौकिक साधनाएं की हैं आपने जो भगवान का कृपा पात्र आशीर्वाद जो इस जगह पर मध्य प्रदेश और छतरपुर जिले में और यहाँ बागेश्वर धाम में गढ़ा जो हमारा गांव है यहाँ पर खिल रहा है। सारी दुनिया के ऐसे यहाँ पे छोटे 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 फूल एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ एक गुलदस्ता बन रहा है। वास्तव में बहुत बहुत आपको नमस्कार है, माँ को प्रणाम है। और श्री हनुमान जी के चरणों में बारम्बार प्रणाम करते हुए एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। श्री बालाजी महाराज की जय। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्र नान्यं जाने नैव जाने न जाने बागरथामिव संप्रत्तौ बागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस पावन बागेश्वर धाम की पुण्य भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बालाजी का अनुग्रह जिन पूज्य संत जी के ऊपर है, ऐसे हमारे परम आत्मीय श्री इस बागेश्वर धाम के, जैसा कि हमारे इंद्रेश जी ने कहा, इस बगिया के यह माली हैं, ऐसे हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज इस समय इनका जादू सिर चढ़ करके बोल रहा है। और ये कहने की बात नहीं है, सबके अनुभव में आ रहा है। ये आयोजन जो देखा जा रहा है, मैं जब से वो
उस मुख्य मार्ग से इधर मुड़ा, तब से गाड़ी चलना कठिन हो रहा था। निरंतर अखंड रूप से लोग चले आ रहे थे, धारा नहीं टूट रही थी, और फिर यहाँ आकर के देखा कि पैर रखने की जगह नहीं। और आज 108 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये ब्रह्म का वाचक होता है। ऐसे 108 वर कन्या का जोड़ा आज विवाह इनका यहाँ संपादित हो रहा है, वो भी भोले बाबा के विवाह के अवसर पर। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और भोले बाबा का विवाह आज के दिन हुआ, उसी अवसर पर ये दिव्य दंपति आज 108 की संख्या में यहाँ एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, यहाँ पर ब्राह्मणों का और संतों का आशीर्वाद की छत्र छाया में आपका विवाह संपादित हो रहा है, और इतने बराती इतने घराती का विशाल समुदाय आपके विवाह में सम्मिलित हो रहा है, इससे बड़ा दिव्य सौभाग्य वरवधू के लिए और कहाँ मिल सकता है। और यह दिव्य आपका विवाह साधु संतों के सानिध्य में संस्कार चैनल के माध्यम से, यह विवाह का संस्कार भी घर घर में पहुँच रहा है, और हम सब समस्त सनातनियों से ये निवेदन करेंगे कि बिना साधु संतों के सानिध्य के आप अपने वर और वधू का विवाह कभी खाली संपन्न न कीजिए, क्योंकि बिना साधु संत के आशीर्वाद के विवाह का परिणाम क्या है, ये क्या होता है, हमने संकेत में आपको बता दिया। इसलिए जब भी विवाह हो तो महापुरुषों का आशीर्वाद अपने वर वधू को बच्चों को अवश्य दिलाना चाहिए। जैसे हमारे भोले बाबा का विवाह हुआ तो सबसे पहले पति पत्नी ने राम कथा से अपने जीवन का शुभारंभ किया। माता पार्वती जी प्रश्न करती हैं, भोले बाबा उत्तर देते हैं। विवाह के तत्काल बाद ऐसा दिव्य दंपति का आदर्श कहाँ प्राप्त होगा, ये भारतीय संस्कृति का गौरव इस मंच से आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। इसी बीच मंच पर बाल कलाकार यज्ञ भसीन और माही सोनी का आगमन हुआ। महाराज श्री ने उन्हें भी पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत किया। और फिर यज्ञ भसीन ने एक छोटी सी प्रस्तुति भी दी। हम सबके जीवन में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्यारा रिश्ता होता है एक माँ और उसके बच्चे का। माँ को बहुत डर सहना पड़ता है जब वो हमें इस दुनिया में लाती हैं, पर फिर भी वो हमें कभी भी किसी भी दुख या परेशानी में नहीं देख सकती। किसी भी महापुरुष ने सही कहा है, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया है। माँ ने सिर्फ हमें जन्म ही नहीं दिया है, बल्कि वो हमें पाल पोस कर बड़ा करती हैं और हमें हर एक मुश्किल से बचाती हैं। माँ हमारी पहली गुरु भी होती हैं, वही हमें अच्छे संस्कार सिखाती हैं, अपने दम पर खड़ा होना सिखाती हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। माँ हमारी सारी बातें पहले ही समझ जाती हैं, हमारे बोलने से भी पहले, और वो हमेशा हमें गाइड करती हैं जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं। हम माँ के बारे में कितना ही कह लें, वो हमेशा कम पड़ेगा माँ के प्यार और उनके स्नेह के सामने। माँ दुनिया की सबसे प्यारी इंसान है, और इसलिए हमें अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए जैसे उन्होंने बचपन में हमारा रखा था। और इसीलिए आज एक एक्टर होने के नाते इस पावन अवसर पर महाशिवरात्रि के मैंने एक डायलॉग प्रिपेयर किया है माँ के रिलेटेड, तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। हाँ।
था आज। खुश तो बहुत होंगे ना तुम, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, जिसने आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। खुश तो बहुत होंगे ना तुम कि मैं हार गया, लेकिन तुम जानते हो कि मैं किसके वास्ते यहां खड़ा हूं। वो औरत जिसके माथे से तुम्हारे चौखट के पत्थर घिस गए, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो तो खुद दुख गरीबी और बेइज्जती की आग में जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर के दिए बराबर जलाती रही, आज वही औरत जिंदगी और मौत की सरहद पे खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। हाय तुम्हारी हार है। क्या कसूर था उसका, कौन सा पाप, कौन सा जुल्म किया था उसने? क्या उसका जुल्म ये है कि वो मुझसे बेहद प्यार करती है? क्या उसका जुल्म ये है किसने मुझे जन्म दिया? क्या उसका जुल्म ये है कि वो मेरी माँ है? आखिर कौन से पाप की सजा दे रहे हो तुम? आप घर से बेघर हो गए, मेरा पाप जीते जी तड़प तड़प कर मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए भी विधवा कहलाई, क्योंकि मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। मेरे गुनाहों की सजा मेरी माँ को बदल दो, मुझे मेरी माँ लौटा दो, मुझे मेरी माँ लौटा दो। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो उसी माँ की कसम तेरे बनाई हुई दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा, लाशों के ढेर बिछा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, बात कर दूंगा सब कुछ। मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बारी आई बाल कलाकार माही सोनी की। इस दौरान इन्होंने बेटियों की महत्ता बताकर सबका दिल जीत लिया। देशभर धाम में आए सभी लोगों का मैं माही सोनी अपना निवेदन करती हूँ। हाँ, मैं एक लड़की हूँ। घर की लाडली क्यों पराई हो जाती है? घर की लाडली क्यों पराई हो जाती है? धीरे धीरे सबसे छुपा कर पहन लेती है अकेलेपन की बीड़ियाँ। अपने सपनों को छोड़ मौन आंखों में बसा लेती हैं बेटियाँ। बरसों से खिलखिलाई नहीं, जिम्मेदारी की चादर ओढ़े सुकून की नींद को सराने रख, सारी रात जागती हैं बेटियाँ। मायके से भेजे संदूक में किसी कोने में पड़ी है बेफिक्री, छोटी छोटी चाहते भी पोटली में बंदी हैं वहीं। इन्हें खोल, आज़ादी से जीने को तरसती हैं बेटियाँ। शौक ने बहुत पहले ही ज़रूरत का चंगा ओढ़ लिया, आवाज़ की खनक ने भी अब साथ छोड़ दिया। मौसम चाहे जो भी हो बिना करवट बदले ही अपने में खो जाती हैं बेटियाँ। एक उम्र गुजर रही तसल्ली से सुस्ताए बिना, जाने कब से बेजान सी हथेली को किसी ने थामा नहीं। तन्हाई आंसू बहाकर चुप हो जाती हैं बेटियाँ। घर की लाडली क्यों पराई हो जाती है? धीरे धीरे सबसे छुपाकर पहन लेती है अकेलेपन की बीड़ियाँ। अपने सपनों को छोड़ मौन आंखों में बसा लेती हैं बेटियाँ। परिवार के लिए क्या होती हैं बेटियाँ? एक दिन माँ बाप से बेटी जुदा हो जाएगी। अभी तो छोटी है, जिस दिन बड़ी हो जाएगी तुमको मालूम हो जाएगी उसकी हैसियत। बैठ के डोली में जिस दिन विदा हो जाएगी, यूं ना कत्ल करो बेटी का, यूं ना कत्ल करो बेटी का, वरना बहुत पछताओगे, दुनिया में बेटी ना होगी, बहू कहां से लाओगे। इतनी नफरत है बेटी से, दिल से उसको उतार दिया, पैदा होने से पहले ही तुमने उसको मार दिया। प्रभु के आगे तुम ही बताओ कैसे मुंह को दिखाओगे, दुनिया में बेटी ना होगी, बहू कहां से लाओगे। जिनकी कोई औलाद नहीं है, जिनकी कोई औलाद नहीं है, वो कितना गम सहते हैं, कम से कम बेटी ही होती, रो रो कर ये कहते हैं। बेटी को ना समझने वालों सीधे नरक में जाओगे, दुनिया में बेटी ना होगी, बहू कहां से लाओगे। लड़कों से ज्यादा लड़की, लड़कों से ज्यादा लड़की माँ बाप की सेवा करती है, कितना भी तुम उसको डांटो फिर भी तुम ही पे मरती है। जुल्म करोगे यूं बेटी पर तो खूनी कहलाओगे, दुनिया में बेटी ना होगी।
बहू कहां से लाओगे? मेरी नसीहत तुम भी सुन लो, मेरी नसीहत तुम भी सुन लो। बेटी से संसार चला, बेटी से ही प्यार मिला है, बेटी से घर बार चला। बेटी की जैसी तुम ही बताओ, ममता कहां से लाओगे? दुनिया में बेटी ना होगी, बहू कहां से लाओगे? बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सच्चे दरबार की। माही सोनी की बात सुन सभी मंत्रमुग्ध हो गए। अब बारी थी उसकी जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। सभी इस पावन मौके पर उनको सुनना चाह रहे थे। बारी थी बागेश्वर धाम सरकार की। श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे जगद्गुरु परम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धे सर्पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता प्रतिपादुकाभ्यः। सब विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं सभी और बैठ करके सब गाएं। द्वारका नूनाथ मारो राजा रण छोड़ छे धन मन माया लगानी जी।
प्रीति लगाई, जरा दोनों हाथ उठाओ ना, पीछे वाले भी एक सुर में ताली बजाते हैं, हरि बोल। संग दादा गुरु जी मोरे, सन्यासी देव संग दादा गुरु जी मोरे, सन्यासी देव संग दादा गुरु जी मोरे, सन्यासी देव संग दादा गुरु जी मोरे। तुम संग प्रीत लगाई है अगर, तुम संग प्रीत लगाई मस्त है, देखो ये मुंबई वाली मीडिया। महाराज की जय, पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री इंद्रेश जी महाराज की जय, पूज्य वृंदावन वाले महाराज जी की जय, हटा वाले महंत जी की जय, बनारस से आए हुए विद्वानों की जय, वृंदावन के मूर्धन्य विद्वानों की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। नमा पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। बागेश्वर धाम पर आने वाले भक्तों की जय, नीचे जो जमीन में बैठे इन जमींदारों की जय, हम चौकी पे बैठे सो हमारी चौकीदार की भी जय। सीताराम हरि सराज जाओ, फटका हरो बैठ जाओ, फटका ओ बाई हरो मताई हरो बैठ जाओ, हरि शरणम हरि शरणम। पूज्य पाद श्री सन्यासी बाबा की पावन उपस्थिति, बागेश्वर बालाजी की भगवान की पावन मंगलमय उपस्थिति, उनके कृपामय प्रभाव से स्वभाव से संपूर्ण भारत के समूचे भारत के कोने कोने से लेकर के कुछ विदेशी भक्त भी यहां कनाडा आदि के बच्चे बैठे हैं, तो सब बागेश्वर बगिया के पुष्प
और क्षेत्र ग्राम गढ़ा के हमारी सभी आत्माएं एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी भैया करूं प्रणाम जोरे जुग पाए सबको सीताराम मंच पर विराजमान हमारी आत्मा और यज्ञ पुरुष आत्मे शहीदों के लिए समूचे भारत में अनेकों यज्ञ करवा करके भारत माता के बीड़ लाडले सपूतों जो शहीद हुए उनकी आत्म शांति के लिए जो यज्ञ करवाई और हजारों युवाओं को भारतीय सुरक्षा के लिए हम सबकी सुरक्षा के लिए आर्मी की तरफ प्रेरित किया ऐसे पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। वृंदावन वाले कार्ष्णी पीठ वाले जो आपका रामधाम आश्रम है वहां के पूज्य महाराज जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम चरणों में पूज्य हमारे परम स्नेही और जिनसे लाखों वक्ता वृंदावन में युवा आदि आदि अनेक कथा व्यास आपके पूजनीय पिताजी की वाणी और शुद्ध विशुद्ध संस्कृत को श्रवण करके कथा की मार्ग के तरफ प्रेरित होकर के व्यास गद्दी की महिमा को सुशोभित करते हुए समूचे भारत में सनातनीय संस्कृति की ध्वजा पहराने वाले परम पूज्यपाद आचार्य श्री ठाकुर कृष्णचंद्र शास्त्री जी के चिरंजीव हमारे ज्येष्ठ भ्राता पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी आपको भी बारंबार चरणों में प्रणाम। और हमारे बगल में इस तरफ जो विराजमान है उनके बारे में हाँ फोटो से जरूर कोई ना जान पाए पर आवाज से सब कोई पहचानता है। एक बार आप ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में सीट ऊपर की तरफ थी, नीचे दूसरी की सीट, तो आपने सामान लिया तो सीट के नीचे डाला, नीचे वाले व्यक्ति जिसकी सीट बुक थी उससे कहा कि भाई साहब अगर बुरा ना मानो तो कछु दे रहा तुम हमारी सीट पे चले जाओ, हम तुम्हारी सीट पे चले जाए। वो व्यक्ति रहा होगा खानदानी राजनेता, सीट छोड़ने ना छोड़ने का संकल्प बता दी, उसने कहा चाहे जो हो जाए सीट नहीं छोड़ेंगे। तो पूज्य महाराज जी पाराशर जी ने कहा नहीं छोड़ने था बाहर में जा भैया, हम अपनी सीट पे थे अपनी सीट पर। तो पूज्य महाराज जी पाराशर जी ऊपर वाली सीट पे लेट गए, वो नीचे वाली पे, और उन्हें मोबाइल निकालो, ट्रेन चलनी प्रारंभ ही और ट्रेन में मोबाइल निकालो तो आप ही की कथा सुनवे लगो मोबाइल पे यूट्यूब पे। अब वे कापतो के जिनकी कथा सुन रहे वे भाई साहब ऊपर है सरकार, वे लगो हम ही सरकार। गंतव्य स्थान पर ट्रेन रुकी तो आप अपना सामान आमान लेकर के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो आने वाले जो आपके शिष्य गण थे उन्होंने जोर से आवाज लगाई पूज्य पाराशर जी महाराज की। सो भीतर से भगो बाहर मोबाइल बंद करके कहे भैया पाराशर जी आए का? सबने कही जे ही तो आए। चरणन में लौट कर बोले इन्हें तो हमने सीट लोनी दई थी। ऐसे आपकी वाणी से हजारों युवा वक्ता सहज मृदुल वाणी वो आपकी कंठ में अब क्या कह दें वाणी, अब हमारे पास तो वाणी के लिए कुछ वाणी नहीं कहने के लिए। ऐसे पूज्य पाराशर जी महाराज यहाँ उपस्थित भय, हाँ पिछली बार भी अब आई भाई की तो हमने निवेदन करो तो कि कबूँ ऐसी कृपा हो जाए सब महापुरुषन की एक एक कथा यही पंडाल में वो हो जाए, क्योंकि गड़ा ग्राम से हमाओ क्षेत्र से बड़ो ना तो का अभी तो जन्म ही लो। बिटिया से पूछो तो कहाँ अच्छो लगत, सुबह कान ला मायके में ससुराल में खूब स्वर्ण बरसता हो, पर बेटी से पूछो कह बेटा कहाँ रहोगी तो मुंह के लिए अगर मुंह पे चाहे जो कहते पर धीरे से कहेगी मायके में। उसी प्रकार हमारी आत्मा हमारा क्षेत्र हमारा ग्राम और हमारा छतरपुर जिला और हमारा बुंदेलखंड हमें बड़ा प्रिय है और हम चाहते हैं कि इस बुंदेली धरा पर बुंदेलखंड के बक्ष स्थल पर विराजमान श्री बागेश्वर धाम पर भारत के मूर्धन विद्वानों सहित अनेकानेक संतों की चरणों की धूली रजदास को मिलती रहे ताकि हमारा बुंदेलखंड पुलवत रहे पुष्पित रहे और फलीभूत रहे। एक बार सब महापुरुषन दो आठ उदाकर ताली बजाओ जोर से, वंदना करियो कौल आए कक्कन के
और जोर से संतया है कौन पैसा लगने और पूड़ियां खबाऊने और कक्काहरो कॉल आए तुम्हें ठटरी ना बरवा लियो और बोलो बागेश्वर धाम की। ये तालियां संतन के लाने। अब जो पार्किंग 5 किलोमीटर से लेकर के कोने कोने में हमारे बागेश्वर धाम की हमारी आत्मा है। हकीकत तो जो है कि फोटो हमारी खींच रही पर इस फोटो के असली हकदार तो बागेश्वर धाम का एक एक वो कार्यकर्ता है जो भंडारे में प्रसाद पवा रहा, झाड़ू लगा रहा, पानी पिला रहा और पार्किंग संभाल रहा है। वो और साधुवाद के पात्र ये सभी मीडिया हमारी आत्मा बैठी नारद मुनि की भूमिका निभाने वाले हैं। हाँ इस तरह परिवार ही बैठा है राजपीठ। आज अद्भुत संयोग, सामने राजपीठ ऊपर व्यासपीठ। एक जने हमसे कह रहे थे कि आपका बड़ा संबंध रहता है राजनेताओं से, आपका विचार है क्या, ये पत्रकार पूछ रहे थे। हमने कहा धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। जब जब राजनीति पर खतरा आता है, भगवान श्री राम जी महाराज जब वनवास चले गए तो दशरथ जी महाराज को शरीर पूर्ण हो गया, तब गद्दी खाली पड़ी थी तो उस गद्दी पर सब विचार कर रहे थे कौन बैठेगा कौन बैठेगा। तो जब जब राजनीति राज गद्दी पर खतरा आता है तब भारत का कोई सिद्ध महापुरुष अपना दंड लेकर के उस राज गद्दी को संभालता है। ऐसी हमारी आत्माएं आप सब तुमोरे कक्का हरो जी। हमारी 108 आज बिटियां विराजमान है, संगे दमांद बैठी हैं। एक बात बोले, हम संसार के वो कुंवारे पिता हैं जिसकी 108 बेटियां हैं और वो बैठ करके यहां पर आयोजन कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद वाणी विराम करेंगे हम, कैसे कि आगे का कार्यक्रम होना है। अबे बरमाला रह गई और लड़का बारे भैया घबराइयो ना, अबे भाव में पन्ने हाओ के जौन जे दूल्हा बैठे जे कान लगे के जो आगी को लगो का आचर रहो कहूँ नच रहे कहूँ गा रहे कहूँ जे जयकार कर रहे जो बता के भाव ने कबे पन्ने कबे लेके भगिए। हाओ तो तुम उन्हें भैया असंतुष्टि में ना बैठियो, कक्का हरो हमारी दमाद हरो रो दमाद लल्ला हरो, चिंता ना करो जो प्रवचन हो जान दो पूरी बरमाला। अबे थाली सौंपने जहाँ बैठे होते ही हमने हमारे बागेश्वर धाम परिवार के सभी शिष्यों ने मिलकर संपूर्ण गृहस्थी की सामग्री जिसमें 42-44 नन उपहार के पूरे गृहस्थी के रखे हैं। हम कहेंगे कि अंकुर जी ये जरूर सबको बताएं। बेटी के विवाह का संकल्प पिछले वर्ष हमने बताया था कि इन बेटियों के कन्यादान जिनका कोई नहीं। महाराज जी यहाँ 12 ऐसी बेटियां हैं जिनके ना माँ है ना पिता है ना भाई है। 12 ऐसी बेटियां हैं जिनके ना माँ है ना पिता है ना भाई है, लेकिन धन्य रे बालाजी, धन्य है सन्यासी बाबा, उनके माँ भी बालाजी बन गए, उनके पिता भी बालाजी बन गए और उनके भाई भी बालाजी बन गए और आशीर्वाद देने ये महापुरुष विराजमान हो गए। 48 ऐसी बेटियां हैं, हम तो मिले नहीं अभिभावकों से, हमें तो जो लिस्ट में बताया 48 ऐसी बेटियां हैं जिनके घर भी रहने को नहीं है, झोपड़ियों में रहती हैं, गांव गांव जा जा करके मंडलों में। और 23 तारीख को जब बेटियों के पिता हमारे पास आए थे तो एक पिता ने हमें झंझोर दिया था, देखो 1000 गाय दान करने से जो लाभ होता अथवा 1000 प्रदक्षिणा भूमि की करने से जो लाभ मिलता है वो लाभ एक बेटी का कन्यादान करने से मिलता है। महाराज जी एक होता वस्त्रदान, वस्त्रदान के ऊपर होता अन्नदान, अन्नदान भी करते हैं, अन्नदान के ऊपर होता अश्वदान घोड़े का दान, अश्वदान के ऊपर होता गौदान, लोग गौ का भी दान करते हैं, गौदान के ऊपर होता द्रुपदान, लोग धन का भी दान करते हैं, द्रव्यदान के ऊपर होता विद्यादान, विद्या का भी दान करते हैं, विद्यादान के ऊपर होता शक्ति दान, जैसे पूज्य सन्यासी बाबा और दादा गुरु जी ने दास को छोटी मोटी कृपा दे दी
उसके ऊपर होते शक्तिदान, शक्तिदान से जगत कल्याण करते हैं, शक्तिदान के ऊपर होता है मन का दान, अपने आप को दूसरों में लगा देना, फिर वो ब्रह्म हो या जीव हो। तो शक्तिदान के ऊपर मन दान, मन दान के ऊपर भी एक दान है जिसका नाम है समय दान। अपने जीवन का बहुमूल्य समय जो बागेश्वर धाम में आकर के गुजारते हैं, समय दान के ऊपर होता है रक्त दान। किसी को खून की कमी पड़ती तो लोग खून दे देते हैं। रक्त दान के ऊपर होता अंग दान, लोग नेत्र किडनी लीवर निकाल करके दान कर देते हैं, लेकिन अंग दान के ऊपर होता है कन्या दान। सबसे बड़ा दान कन्या दान होता है। बेटियां हमारे घर की चहचहाती हुई है परियां, सच कहवे तो एक कुल नहीं दो कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। पिता का नाम और मान भी बढ़ाती और पति के घर में पति का नाम और मान भी बढ़ाती। एक बार एक सभा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, तो उससे किसी ने पूछा, बताओ बताओ तुम्हारे कितने संतान हैं? तो मुस्कुरा करके बोला, भैया हमारे तो दो बेटा हैं बेटा। तब तक दूसरे से पूछा, बताओ बताओ तुम्हारे घर पर कितनी संतान है? उसने कहा, हमारे यहां तो एक बेटा है। तीसरे से पूछा, भैया तुम बताओ? तब तक दोनों अपने अपने बेटे की प्रशंसा कर रहे थे। कोई कह रहा था हमारा बेटा बड़ा आईपीएस ऑफिसर हो गया, कोई कह रहा था हमारा बेटा बड़ा पॉलिटिक्स में पहुंच गया, बड़ी लंबी पकड़ हो गई, बड़ा नाम हो गया, बड़ी कीर्ति हो गई, बड़ा यश हो गया, बड़ा वैभव हो गया, बड़ी संपत्ति अर्जित कर रहा। लेकिन एक चौथा व्यक्ति भी वहां बैठा था, उससे पूछा, तुम चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे? तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, बोले, हमारे बेटा नहीं है, हमारे तो बेटियां हैं। तब तक एक छोटी सी बच्ची माही जैसी बिटिया या एक बच्ची उठी और जो अपने पुत्रों की बड़वारी कर रहे थे उसका कुर्ता तान के बोली, अंकल अंकल बुरा मत मानना, तुम एक बात बोलू? हाँ हाँ बेटा बोल बोल बोल, क्या बात है? वो छोटी बिटिया कहती है, अंकल बेटियां भिखारियों के घर पे नहीं होती हैं, जो दिल के और मन के अमीर होते हैं उनके घर बेटियां होती हैं। भिखारियों के घर पे बेटियां नहीं होती, जो मन दान ना दे पाए, जो अपने कलेजे का टुकड़ा किसी को ना दे पाए, जिनके पास में धन देने की, जिनकी फूटू कौड़ी आरती के लिए नहीं निकलती, उनके घर भगवान बेटियां नहीं देते, बेटियां तो उनके घर देते जो अपने आप को लुटाने की क्षमता रखते। ये वो 108 जो बेटियां बैठी हैं ना, और जितनी भी बेटियां बैठी बुरा मत मानना, सबसे बड़ा दान कन्या दान होता है। कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है। बेटियां श्राप नहीं है। अब तो हम निवेदन करेंगे, जितने आज सुन रहे हैं गंभीरता से सुनना, बेटियां हमारे जीवन में वरदान है। जिनके बेटियां होती हैं वो पिता भाग्यशाली होते हैं। एक बेटियां ऐसी होती जो अपने पिता को दुखी नहीं देख सकते। बेटियों का विवाह भी हो जाए फिर भी फोन लगाते, पापा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पिता की तबीयत खराब हो भी जाए ना तो वो बेटी कहती, पापा ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहां चले जाना तुम। पापा वो महाराज जी बहुत जानते हैं, उनके पास चले जाना तुम ठीक हो जाओगे। बेटियां पति के पीहर के घर में रह करके भी अपने पिता को नहीं, अपनी माँ को, अपने घर को भूल नहीं पाती। और मैं निवेदन करूं, आज जितने भी लोग आते हैं, इन गरीब बेटी जो बेटियां हमारी आज हैं, ये गरीब नहीं है, दरअसल जिनके जीवन में हनुमान होता है वो बहुत बड़ा वाला धनवान होता है। तो अब ये बिटियां असहाय नहीं है, इन जो बिटियों का पाणिग्रहण संस्कार वैदिक परंपरा शास्त्रोक्त विधि अनुसार जो हमारे विद्वान गण करेंगे ना, अब ये बेटियां असहाय नहीं, सच कहवे तो आज से इनके पिता बागेश्वर बालाजी हो गए, जिनका चारों युग परिताप है।
और 23 तारीख की हम घटना सुनावें गंगेली जी। 23 तारीख को एक विचित्र घटना घटी। वैसे तो ये महाराज जी बेटियों का विवाह 3 वर्ष हो गया, 3 साल से हो रहा, 20 में भी हुआ था, सन 2021 में 21 बेटियों का हुआ था, इस बार 108 बेटियों का हो रहा। और इसके पीछे रहस्य दास के निज जीवन का है। हमारी बहन जी की जब शादी हुई होती सन 2010-11 की चर्चा है, दास बड़े जिस घर में दास का जन्म हुआ वहां लौकिक भौतिक अनुसार आर्थिक की बड़ी तंगी थी और बहन के विवाह में व्यवस्था बन नहीं पा रही थी और घर में दास ही बड़ा भाई था। तो खूब हमें ध्यान है वो बाकिया बार बार याद आता, हम खूब उस वक्त घर घर भगे तो कोई हमें कुछ दान दे दे, कुछ हमें सहयोग कर दे, कर्जा दे दे, ताकि हम अपनी बहन का विवाह भव्य और दिव्य रूप से कर लें। लेकिन बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन हमारे परम स्नेही मित्र, हमारे शिष्य भी हैं वर्तमान में तो, लेकिन वो मित्र बत हमारा उनसे ज्यादा व्यवहार है, डॉक्टर शेख मुबारक, जाति से मुसलमान। वो बागेश्वर धाम आया करते थे सुंदरकांड का पाठ सुनाने, हमारी उनसे बड़ी मित्रता थी। किसी लीला को लेकर के कोई चमत्कार उनके जीवन में हो गया तो उनका बड़ा निष्ठा बागेश्वर धाम से जुड़ी थी। हम ऑटो पकड़ करके उनके गांव गए, यहां से 30 किलोमीटर दूर है। हमने उनको पूरा बाकिया बताया कि हमारी बहन जी की शादी है 12 दिन बाद और अर्थ की व्यवस्था नहीं हो पा रही, अगर आप हमें उधार दे दें तो हम आपका चुका देंगे। उन्होंने बिना विचारे 30,000 रुपए उस समय में उधार दिए और सच कहवे उस भाई ने अपनी बहन मान करके पूरे हमारी बहन जी के विवाह में पूरी तैयारी करके स्वयं उसने खाना परोसा सबको। उसी दिन दास ने संकल्प ले लिया था कि भविष्य में कभी अगर इस दास पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई अथवा सन्यासी बाबा के चरणों की कृपा हुई अथवा गुरु के कृपा का प्रसाद मिलेगा तो जिस प्रकार हमें अपनी बहन के विवाह के लिए दर दर भटकना पड़ा, हम किसी बहन को भटकने नहीं देंगे, उसके भाई को भटकने नहीं देंगे। और बस उसके बाद ये प्रारंभ हुआ और फिर बहुत ज्यादा झंझोर दिया। 23 तारीख को शायद वो बेटी आई है, 23 तारीख को एक रैक बाहर दादाजी अपनी बिटिया को लेकर आए तो जो समिति के लोग थे उन्होंने बुक कर लिया था कि कौन कौन सी बेटियों का विवाह होगा, वो रजिस्ट्रेशन कर लिया था। सत्य घटना बता रहे हैं अभी की 23 तारीख की। तो वो अपने हाथ में एक पन्ने वाला ऐसा कार्ड लिए था शादी का, एक पेज का। तो बहुत भीड़ थी, भभूति वितरण हम कर रहे थे, मीटिंग वाले मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, हम तो अपनी मस्ती में दरबार में बैठे हुए थे। तो बहुत भीड़ को चीरता हुआ फटी सी धोती पहने हुए और एकदम काला स्वरूप, आंखें उसकी डबडबाई हुई, पानी भरा हुआ नैनों में, वो आया, वो दंडवत प्रणाम किया। हमने कहा उठो दादा। बोला महाराज बिटिया की शादी है। हमने कहा आओ आओ। उसने हमें कार्ड दिया, जब कार्ड में हमने देखा तो वो टेम्परेजी कार्ड है जो प्रेस वाले इकट्ठा छाप करके रख लेते, जिसमें नाम का कॉलम खाली छोड़ देते, तारीख का कॉलम खाली छोड़ देते। वो कार्ड देखा, उसमें नीचे लिखा था पेन से नोट, यह कार्यक्रम बागेश्वर धाम पर है। हमने वो कार्ड देखा, हमने उसको पूछा अच्छा दादा बताओ ये कितने का कार्ड पड़ा। वो कार्ड की हालत देख करके हम रह नहीं पाए। उसने बड़े उससे बताया उत्साह, गुरु जी 1 रुपए का एक। हमने कहा कि 1 रुपए का कितने छपवाए। गुरु जी हमने 100 कार्ड बांट दिए, हमने सोचा जब बागेश्वर धाम वाले गुरु जी करवा रहे तो कमी क्या रखे। उसकी आंखें भर आई, हमारा दिल पसीज गया, इस व्यक्ति को 100 रुपए भी भारी हैं, इस पर क्या गुजर रही होगी कि हमारी बेटी का पाणी ग्रहण कैसे निर्विघ्न संपन्न होगा।
और उसकी वो बिटिया आई थी, वो दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजे पर खड़ी खड़ी वो फटे से सलवार सूट में, आज वो बिटिया दुल्हन बनकर आई हमारी बेटी, वो दरवाजे पर खड़ी खड़ी नीचे मुड़ करके रो रही थी कि हमारे पिता के पास कुछ नहीं है, एकदम रो जा। हमने उनको पास बुलाया, उस दिन हमें लगा वो आज भी हम व्यासपीठ से हम जो भी बोलते हैं साहब हमारे हृदय में छिपा करके नहीं रखते। हमें 23 तारीख से लग रहा था कि इन बेटियों के लिए मैं क्या लुटा दूं। बेटियां बेटियां होती, उस बेटी से जब हमने बात की हमने कहा बेटियां, तो बेटी कहती महाराज भले ही हमें सामान ना देना पर हमारा विवाह अपने यहाँ से करवा दो। हमने कहा क्यों ऐसा करें? बोले गुरुजी हमारे पिताजी 3 साल से घूम रहे, कहीं व्यवस्था नहीं बन रही, सब दहेज मांग रहे, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा विवाह आप करवा दो। आप जिसको बोल दोगे वो धन नहीं मांगेगा, आप भले ही कुछ मत देना पर हमारा विवाह करवा दो ताकि हमारे पिता रोते ना रहे। साहब बेटियां तो बेटियां होती हैं, बेटियां जब ससुराल चली भी जाती हैं तो वहां पर बैठे बैठे फिर भी माता पिता की चिंता में डूबी रहती है। उनको आने को ना मिले रक्षाबंधन को तो कोई जा रहा हो तो वो राखी पैक करके और उसमें चावल रखकर तरह तरह की मिठाई पैक करके भेज देती कि घर भेज देना हम आ नहीं पा रहे भैया के पास। बुरा मत मानना, बेटियां तो बेटियां होती हैं और सच कहबे बेटियां श्राप नहीं, बेटियां वरदान है। बेटियां श्राप नहीं है, बेटियां वरदान है। और हमारे तो बहुत बड़े ये सब अमीर आदमी हमारे शिष्य बागेश्वर धाम के शिष्य हैं, इन अमीरों से भी कहेंगे और जितने भी यहां पर परिपक्व आर्थिक रूप से बैठे हुए, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ पीपल, मेरा निवेदन है आप सबसे, आप अपने जीवन में कोई खर्च करना या ना करना पर अपने जीवन में एक बेटी का गरीब का विवाह जरूर करवा दें। और हमने इसलिए नहीं बुलाया कि हमें महिमा चाहिए कि हम सामाजिक काम कर रहे हैं या हम इतना उपहार दे रहे हैं 1.5-2 लाख का तो तुम हमारा महिमा गुणगान करो। सावधान हो, खबरदार, हमने तुम्हें निमता इसलिए दिया और बुलाया इसलिए कि इन बेटियों का ना तो माँ है ना पिता है ना भाई है, तुम बन कर आओ क्योंकि तुम मानव हो, हमें सम्मान चाहिए ना नाम चाहिए, हमने इसलिए नहीं बुलाया। हमने आपको इसलिए बुलाया कि आप किसी की बेटी के भाई किसी के पिता बनकर के जाना, उस पर क्या गुजर रही होगी वो बेटी जान रही होगी। साधु बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां दोनों कुलों के नाम को बढ़ाती, बेटियां घर में रह करके सजाती। उन पिता से पूछना जिनके इन बेटियों की जिनके पिता आए क्या गुजर रही होगी जो 18 वर्ष तक उनके घर के आंगन में चहचहाती नहीं खेलती नहीं, घर में रौनक थी क्योंकि घर में बेटियां थी, उस घर में रौनक होती है जिस घर में बेटियां होती है। आज इतना बड़ा आनंद लगा है, इतना बड़ा महोत्सव लगा हुआ है, देखना शाम पिछली साल का हमें वाकया पूरा याद, ये सब आए हुए थे हमारा परिवार पूरा बागेश्वर धाम का शिष्य मंडल आया था पिछली साल, तो दिन भर तो खूब अच्छा लगा जब, लेकिन बेटियों की विदा हो गई तो हम 1.5 दिन तक अपने आप को रोक नहीं पाए थे। और साहब भ्रूण हत्या और बुरा मत मानना, हम तो यही कहेंगे जितने सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे संस्कार टीवी चैनल पर, पूज्य आचार्य चरणों के आशीर्वाद से इन संतों की कृपा से अगर दास के जीवन में श्वास रहेगी तो जब तक महाशिवरात्रि दास के जीवन में आती रहेगी तब तक शिव पार्वती तो विवाह करेंगे ही करेंगे, पर यहाँ पर एक बेसहारा बेटी गरीब बेटी यहाँ पर दुल्हन बनेगी और दामाद के रूप में शिव बन करके यहाँ से पाणिग्रहण होता रहेगा। जब तक राम जी कृपा करेंगे, एक वो खैरी वाले हैं शायद पांडे जी बैठे हो, एक वो खैरी वाले हैं चले गए, खैरी वाला वो दादाजी, खैरी वाले ने तो हद कर दी, खैरी वाले की बिटिया है रेखबा, उसने तो हद कर दी, खैरी वाली बच्ची है उसके पिता ने तो हद कर दी। पता है उसका पिता क्या कह रहा था? उसका पिता कह रहा था कि हम 6 माह से बागेश्वर धाम आ रहे, जब से हमने सुना कि बागेश्वर वाले गुरुजी बेटियों का सम्मेलन फिर से करवा रहे, तो 6 माह से आकर के उसने अर्जी बांध दी और पेशी कर रहा लहसुन प्याज छोड़ के, क्यों? ताकि हमारी बेटी का विवाह बागेश्वर धाम से हो जाए।
जब ये बच्चा ने पूछा, पत्रकार ने पूछा, हमारी बच्चे ने जो पूछा, उसको पूछा कि विवाह क्यों यहाँ से करवाना चाहते, बोले फसल हुई नहीं, 2 साल से खेती है नहीं, 5 साल से हैरान है, बेटी का विवाह हो नहीं रहा बिना दहेज के। हमने सुना बागेश्वर धाम पर जो विवाह होता है उसमें कुछ उपहार भी मिल जाता है, और विवाह हो जाता तो हम चाहते कि हमारी बारात आ जाए और बेटी का विवाह बागेश्वर धाम से संपन्न हो जाए। ये बात हम फिर वही बात दोहराएंगे जहां से शुरू की थी। एक होता अन्नदान वस्त्रदान, एक होता अन्नदान वस्त्रदान से बड़ा है अन्नदान, अन्नदान से बड़ा है अश्वदान, अश्व यानी घोड़े का दान, अश्वदान से बड़ा है गौदान, गौदान से आगे की यात्रा बढ़ती है द्रव्यदान, द्रव्यदान से आगे की यात्रा बढ़ती है विद्यादान, विद्यादान से बड़ा है शक्ति का दान, शक्ति दान से आगे की यात्रा बढ़ती है तो मन का दान, मन दान से आगे की यात्रा बढ़ती है तो समय दान, समय दान से आगे की यात्रा बढ़ती है तो उससे बड़ा दान है रक्तदान, रक्तदान से बड़ा अगर कोई दान है तो अंगदान, नेत्रदान, किडनी दान, लीवर दान, जिसे अंगदान कहते, अंगदान, और अंगदान से कोई अगर बड़ा दान है तो उसका नाम है कन्यादान। और बागेश्वर धाम की आज की पीठ जो 108 बेटियों का पाणि ग्रहण, और बड़ी बात तो सुनो, पहली बार सामूहिक विवाह सम्मेलन भारत के 10 मूर्धन्य विद्वानों की पावन उपस्थिति में शास्त्रोक्त विधि अनुसार कुछ देर बाद संपन्न करवाया जाएगा। बस अंत में हम कुछ नहीं कहेंगे, आज पूजा आचार्य जी पधार गए, महाराज जी पधार गए, सच कहें तो करवा तो यही आचार और संत रहे, हम तो दासानुदास हैं ब्राह्मणों के और संतों के। और बड़ी बात तो ये है बागेश्वर धाम का ये इतना बड़ा जो आयोजन कर रहा है ना, वो बागेश्वर धाम का प्रत्येक एक एक मंडल का एक एक शिष्य कर रहा है। और यहाँ से नहीं, नागपुर मंडल भी आया, चेन्नई मंडल भी आया, बागेश्वर धाम मंडल मुंबई, बागेश्वर धाम मंडल दिल्ली, बागेश्वर धाम मंडल नौगांव, बागेश्वर धाम मंडल सायगढ़, बागेश्वर धाम मंडल नरसिंहगढ़, बागेश्वर धाम मंडल मगरौन, बागेश्वर धाम मंडल महोबा, बागेश्वर धाम मंडल पन्ना, बागेश्वर धाम मंडल अमानगंज, बागेश्वर धाम मंडल पबई, बागेश्वर धाम मंडल छतरपुर, बागेश्वर धाम मंडल नौगांव, बागेश्वर धाम मंडल गढ़ा, बागेश्वर धाम मंडल दिल्ली, ये सब मंडल के 150 बागेश्वर बगिया के पुष्प आए, संत भी आए, ये बच्चे भी आए, और साहब बच्चे बड़े हृदय से लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं 7 दिन से सब बच्चे दिन ना रात लगे, कोई भंडारा बना रहा, कोई सामान टेंट, रातों भर लगे, कोई सो नहीं रहा। अंत में बस यही कहेंगे बालाजी आचार्य ऐसा आशीर्वाद दें कि आयोजन जब तक इस दास के तन में श्वास रहे, ये सेवा चलती रहे। और आज जो साक्षी बने आप सबको भी व्यास पीठ इस गद्दी की ओर से, बागेश्वर धाम की इस पीठ की ओर से, भारत का पहला ऐसा तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है जहाँ दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, भंडारा भी दोनों टाइम 2 साल से निःशुल्क, और पहला ऐसा तीर्थ जहाँ की दान पेटी में आने वाली डोनेशन राशि से बेटियों का विवाह करवाया जाता है। ऐसी पावन तीर्थ में पधारे हुए एक बार आप सब अपने लिए स्वयं ताली बजा लें, हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, दोनों हाथ उठा करके बजाएं भाव से, एक बार बागेश्वर मंडल के लिए बड़े भाव से ताली बजा लें जो सेवा कर रहे हैं, बालाजी करें उन्हें सेवा का फल मिले, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घर बैठे भी सेवा की मानसिक रूप से, और जो संत महापुरुष पधारे हैं इनको साधुवाद देते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और महापुरुष वहां भी पधारे, हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम, दास का स्वीकार हो सब आचार। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये हमारे मुंबई के छोटे छोटे बच्चे आए, हम जब गए थे तो यज्ञ वसु हमें मुंबई में मिला, इसने ये जो माँ वाला हमें ये सुनाया ना, बड़े आनंद वहाँ सब मिले, हमारे राम का अभिनय करने वाले गोविल जी भी, वो आ नहीं पाए किसी कारण बस, और एक और निवेदन है महाराज महापुरुषों के चरणों में, वो आप सबके चरणों में, ये आयोजन है एक दिन का, लेकिन 22 मार्च से 30 मार्च तक बागेश्वर धाम पर 251 कुंडी श्री सीताराम महायज्ञ हो रही है।
जिसमें लगभग 108 क्विंटल हवन सामग्री से आहुतियां लगभग 111 ब्राह्मणों द्वारा दिलवाई जाएंगी। और बड़ी बात सुनिए, सबको हमाओ ने तो है लोचन को, फिर से आउने 22 मार्च से 30 मार्च लो लोचई खावे कक्कन के कॉल आए जो नया होता। आओ 22 मार्च से 30 मार्च तक। और बड़ी बात तो सुनो, एक एक दिन में एक एक महापुरुष उसमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और पूज्य महाराज श्री भी पधारेंगे, उनने अनुमति नहीं दी लेकिन हमने कह दई। हाँ, अब एक ही उपाय है कि जब महाराज जी निकले सो तुम पांव पकड़ लियो कि आउने हैं तीन चार जाना कर ले हो ऐसो पक्को कॉल आए तुम्हें। आओ लो ठीक है, अब तो हाओ के जय है, हमारी ना माने तुम उनकी तो माने, भगत के बस में है भगवान। जब भगत के बस में भगवान हो सका तो महाराज जी नहीं हो सकते, महाराज जी हमें भी आए। लेकिन बड़ी बात तो सुनो, पूरी बात नहीं बता पाए, इस यज्ञ में 22 मार्च से 30 मार्च तक होने वाली श्री सीताराम महायज्ञ में भारत के अद्वितीय विद्वान प्रज्ञा चक्षु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य श्री श्री 108 श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की 9 दिन की राम कथा है। और गुरुदेव भगवान ने टीवी पर वो भी भिजवाया है, क्यों भाई आशीर्वचन भी भिजवाए हैं तो टीवी पर चल गए। अच्छा चलने हैं तो गुरुजी ने उतन से वीडियो बनाओ, हम गए थे प्रणाम करवे के एक तारीख के लाना, सुनने आशीर्वाद भी दो। और वे कह रहे हैं कि 22 मार्च से 30 मार्च की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। हाँ हाँ, गुरुदेव भगवान तो हमारे त्रिदंडधारी हैं। तो यहाँ ऐसा भी कह सकत के 22 मार्च से 30 मार्च तक की करो तैयारी, और यहाँ पर बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं तुलसी पीठ वाले त्रिदंडधारी। हाँ, वो अपनी तो ठटरी बनने ही है, बातों को नहीं रोक। तो अब आई सबकी जरूर हो गए, और उसमें आयोजन में ये जो यज्ञ हो रही है 22 मार्च से 30 मार्च तक, उसका मूल कारण यही है कि हर रोज 10 से 12 हजार भक्त आते हैं और सबसे हम मिल नहीं पाई। तब आगे को लगो मोरो भी भैया आरो बुढ़ापो आ गो, पहले तो मैं खूब जवान हतो सो 15-16 घंटा बैठ ले तो हंसी में कई हकीकत ना मानियो, अब हमें पराए घरे भी जाने कि तुम तो हमारी सीट बुक कर दो कि अब तो बुढ़ापो आ गो। हाँ हाँ, हंसी की बात है बताई, जो पहले तो जवानी हती सो खूब हम 18 घंटा बैठ के दरबार लगा लेते, अब भैया हर 10-12 घंटा से ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाऊता। तो हमने मन में गुरुजी से एक दिना प्रार्थना करी कि हे सन्यासी बाबा, इतने जने आ रहे हैं इनकी अर्जी तो हमें सुन नहीं पाने, हमें पकड़े आ जाने कछु दिन में ग्वालियर और जाने जहाँ से महाराज जी पधारे भितरवारा से। तो ग्वालियर ही में है सबसे बड़ो मेंटल हॉस्पिटल, उससे बड़ो आगरा में है, लेकिन तो बुंदेलखंड को तो ग्वालियर ही ज्यादा प्रचलित है। तो हम कहीं कहूँ है सोना हो कौन उतना पकड़े आ जाइए, सो गुरु जी बोले नो प्रॉब्लम। हमने कहा वाह, तो गुरु जी ने भीतर ही भीतर हमें रात के प्रेरणा दी कि तुम एक काम करो माई डियर। हम कहा क्या करें, तो गुरु जी बोले बेटा तुम एक काम करो, 108 क्विंटल हवन सामग्री से और श्री सीताराम महायज्ञ करवाओ, जो तुमसे नहीं भी मिल पाते, जिनकी अर्जी नहीं भी लग पाती, वो अगर नारियल बांध दें और 21 परिक्रमा लगा लें और मंगल की पेशी करना प्रारंभ कर दें तो उनका कल्याण हो जाएगा। बाकी दरबार की चर्चा बाद में, अब दरबार हम वहीं बैठे, अब तो जे दमाद हमें करे आउत हुई ठठरी के बड़े 5 मिनट की, कहें आधा घंटा हो गई हैं मुँह के प्यास ये कछु बैठे थे। एक हम पर काट जात तो बोलो काय महाराज मोहे चीन लो तुमने, हम कही भैया टोपी में नहीं थे चिनारा वाह। अरे वो बोलो हम भैया आए चुरारन के, अरे हम कही अब चीन लो भैया। तो बढ़िया जो है जी दमाद, अब हमारे तो दमाद आए भैया भलो हो, बस जो ही प्रार्थना करी हम आशीर्वाद तो गुरु जी से प्रार्थना ही कर सके, सन्यासी बाबा और बालाजी ऐसी कृपा करें कि जैसे आज हंसी खुशी में तुम्हारा जो मंगल कार्य पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा हो, ऐसे ही जीवन भर बागेश्वर धाम से जुड़े रहो और तुम्हारा कल्याण हो गए। तुम्होंने कितने भाग्यशाली हो, एक बिटिया को ब्याह हो तो हम एक आध महात्मा पहुँच जाते, हमारे जैसो बाबा नहीं ढाबा। हाँ जो एक आधो पगला पहुँच तो, लेकिन धन्य है ये बिटियाँ कितनी भाग्यशाली रही होगी किसी जमाने की कोई भक्तनी कि इतने महापुरुष एक साथ मंच पर बैठकर आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ी किस्मत से मिलता है तेरा दरबार सांवरे,
बड़ी किस्मत से मिलता है तेरा दरबार सांवरे, मैं जब भी दीदार करता हूं हर बार होता है तुझसे प्यार सांवरे। तो ये बड़ी भाग्यशाली हैं बिटिया, इन संतों का आशीर्वाद, व्यासपीठ और राजपीठ सबका, इतने बराती घराती, घराती को है, हाथ उठाओ जो जो घराती है, पेन कागज लो नोट करो, एक एक, एक फॉर्चूनर अब हरा के जेब में डाल ले हो। चलो भगवान करे भलो, पूरी लोचई खा के जाइयो सब जने, भैया भूखे न चले जाइयो, बगल में चल रहो भंडारो, प्रसाद भी पाओ दर्शन भी पाओ, फ्री में संतन को आशीर्वाद भी ले जाओ, आपका प्राण चाउट का साफ नजोल के मर रहो, अब प्राण चाउट का। अब तो एक काम करो, दो ही हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम गड़ा वालन की, पूरे क्षेत्र वालन की, बंदेलखंड की, धाम पर आने वाले संतन की, बागेश्वर धाम शिष्य मंडल की, बागेश्वर धाम के इस आयोजन में सहयोग करने वालों की और विरोध करने वालों की भी। नमः पार्वती पते हर हर। बागेश्वर की धरती पर कोई बड़ा आयोजन हो और उस आयोजन में भगवान श्री बालाजी महाराज के अनन्य भक्त और बागेश्वर धाम सरकार के कृपा पात्र खनिज देव चौहान जी की सुरीली आवाज ना गूंजे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इस महा आयोजन में उनकी आवाज ने जो समा बांधा वो देखते ही बन रहा था। Thank you.
ये खनिज देव चौहान हैं और बागेश्वर धाम की महिमा का बखान है। बहरहाल इस आयोजन के बाद पारंपरिक तरीके से शुरू हुआ 108 गरीब कन्याओं का विवाह संस्कार। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। मंच पर उपस्थित वैदिक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण से एक बार फिर पूरा वातावरण गुंजायमान कर दिया। ओम सचिव पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पित्री चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो। 108 मंडपों में लगे ध्वनि यंत्रों के माध्यम से वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने शादी की रस्में करवाई। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वाः तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नरनदीभ्यो नमः। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः। यज्ञनारायणाय नमः। यज्ञसंभवाय नमः। श्रीगिरिगोवर्धनाय नमः। एतद् कर्म प्रधान श्री हंगन मते नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः नमोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः सैतानि नामानि ये पटेक्षणीयादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अविभिसिद्ध्यार्थ सिद्ध्यार्थं पूजितो य सुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके हिरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणि नमोऽस्तुते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामान सिद्धये सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। और फिर इसके साथ सभी 108 नव दंपत्ति परिणय सूत्र में बंद कर अब नव जीवन की तरफ चल पड़े। अब बारी थी इन बेटियों की विदाई की। सभी नव दंपत्ति अपने अभिभावक श्री बागेश्वर धाम के आशीर्वाद के लिए मंच पर पहुंचे। महाराज श्री ने अपने सभी नव दंपत्तियों को शुभकामनाएं दी और अपने आशीर्वचनों से सबको कृतार्थ किया। पृथिव्यां पय ओकदि खोपायो दिव्यां तर्गच्छे पयो पायस्वती प्रदिशा सन्तो मह्यं मा अग्निर्देवता वातो सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विष्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सामा शान्तिरेधि श्रीवरचस्वमायुष्यमारोग्यमाक्षोभवानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहो भक्तिलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथ शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव देहि मे सर्वमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि। महाराज श्री के आशीर्वचन के बाद ये महाउत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर था। महाराज श्री ने मंच पर बैठे सभी नव विवाहित दंपतियों को उपहार भेंट किए और मंगल आशीर्वाद दिया। इस महाउत्सव में खास बात देखने को मिली जो अमूमन बहुत कम ही दिखाई पड़ती है। महाराज श्री ने नव विवाहित दंपतियों को भगवान शिव और शक्ति रूपा पार्वती की जोड़ी कहा और संयोग भी महाशिवरात्रि का और बारी अब बेटी की विदाई की थी, तो भला अपनी धरा से महाराज श्री बिना आरती किए शिव पार्वती की इन जोड़ियों को कैसे विदा करते। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। एक माइक और मंगा लो। हरि ओम मा चंद्रमा मन सूर्यात शुक्रो सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुश प्राणश मुखात अग्निरजायत जय शिव ओम कारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक
संगे ओम जय शिव ओंकारा कर सुख करता दुख हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम सेवे ओंकारा पार्वती पर्वत पे बिराजी ओ शंकर कैलासा भोले शंकर कैलासा जटा में गंग भगत है गल मुंडल माला बोले गल मुंडल माला शेष नांग लिपटावत ओढ़त मृग चाला ओम जय हर हाँ काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले